कैसे पता चलता है कि भैया उसके घर पे बच्चा हो गया है इस तरह से? मैं उसका आइडिया लगा लेती हूँ, सास से सास बोल देती है अभी तो अपना उबाड़ो छे, अभी तो 4 महीना ही छे, तो उसको उससे गिनती करती हूँ मैं। तो सरकार से हमने बहस करके इन चीजों को जो आम आदमी का बारा हमने पदवी लिए। मेरा बुआ जी के लड़के ने ऑब्जेक्शन उठाया, ऑब्जेक्शन उठाकर बोला कि इसको तो खत्म कर देना चाहिए, है ना, ये तो किन्नर है, इसको अपना नाम पे धब्बा लग जाता, अपने कास्ट पे धब्बा लग जाता, अंदरूनी आत्मा से किन्नर अगर वो दुआ देगा तो अधुआ जिंदगी भर उसको फलेगी, किन्नर है तो। और जो नकली किन्नर है कि कपड़े पहन करके किन्नरों का रोल करता, उसकी कोई बद्दुआ नहीं लगती। आजकल पुलिस ऐसी होती है कि गाड़ियों में मांगने जाते हैं, हाँ। जो किसी के बेचारे औरतों के चाटा मार देते हैं, आदमी को चाटा मार देते हैं। ताली भी बजाने का अलग ढंग होता है, तो ऐसा क्यों होता है? ताली बजाने का ये रीजन होता है कि उस साज पे ऊपर अगर ताली अगर उसके सुर में मिल गई। एक तरफ तो हम अर्ध नारीश्वर की पूजा करते हुए दिखते हैं, जिनको हम शिव और पार्वती का एक कंबाइंड फॉर्म मानते हैं, अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वहीं दूसरी ओर हम ये बोलने से भी नहीं चूकते हैं कि पिछले जन्म में इसने कुछ बुरे काम करे होंगे, इसीलिए किन्नर बन के इस जन्म में आया है। डबल साइडेड टॉक्स, इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, एंड दिस इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आवर टुडेज पॉडकास्ट। सो टुडे वी हैव विद अस गुरु माँ ताराबाई, जो एक ट्रांसजेंडर हैं और पिछले 60 सालों से एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम कर रही हैं। सो लेट अस डेल्व इनटू द लाइफ ऑफ गुरु माँ एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम द ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ अ लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में, और सबसे पहले बहुत बड़ा सा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे शो पे आए। कैसे हैं आप? मैं आपके वर्ड को सुनकर बहुत खुश हुई हूँ, मुझे यहाँ करके बहुत खुशियाँ हुई है। मैं देशवासियों को और मेरी बिटिया रानी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस जगह मुझे बुलाई गई है। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। नहीं, अगर मैं आपको बताऊँ, मैं जब बता रही थी ना, जैसे नॉर्मली होता है लोग मुझसे पूछते हैं, अच्छा नेक्स्ट किसका लेने वाली सुप्रिया, मैंने बोला उनको कि मैं गुरुमा जो हमारी हैं ताराबाई जी, उनका लेने वाली हूँ। हाँ, तो मतलब सबको पता था, कहती हाँ हाँ जानते हैं हम, हमारे जानते सब, लेकिन मेरे अपने वाड़ी से ही बोलूंगी मैं आपको बिटिया समझ के आई हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं उसी हिसाब से बताऊंगी, देशवासियों को प्रणाम भी करूंगी, ये मेरा फर्ज बनता है। बिल्कुल, अगर देशवासियों को मैंने प्रणाम नहीं करा तो फिर हमारे मंच पे आने से क्या फायदा? हमारी संस्कृति, ये हमारी धार्मिक संस्कृति, बिल्कुल प्रणाम नहीं करा तो संस्कृति खत्म हो गई। बोलो, मैं कैसा बोल बोला आप? हाँ, शुरू तो हम इसी से करेंगे, सबको प्रणाम करके। सबको प्रणाम। आप कुछ अपने बारे में बताइए पहले, कि कैसे आप आए, कैसे शुरू करा आपने अपना? मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, मैं छिपावड़ोद से बिलोंग करती हूँ, पारिक राज पुरोहित ब्राह्मण से। मैं एक गरीब घर की थी, मेरे मम्मी पापा ने वहां पे मेरा नाम श्याम रखा था। 17 साल तक बहुत मेहनत मजदूरियां करी, कुछ मैंने कथाएं भागवत भी करी है। जब ज्यादा दुख आने के पीछे, मेरे पापा एक्सपायर होने के पीछे, मैं कोटा चली आई थी 17 साल की उम्र में। वहां से आने के पीछे मैं आकर के यहाँ मंगल मुखियों में आ गई, गुरु कमलाबाई का चेला बन गई मैं। आते ही मुझे 60 साल हो गया यहाँ पे। 60 साल होने के पीछे मेरे मम्मी पापा कहते हैं मैंने अच्छे अच्छे कर्म करे हैं, अच्छे अच्छे मैंने वार्तालाप करे हैं, अच्छे अच्छे मैंने शुभ काम करे हैं, और मैं इन्हीं शुभ कामों के पीछे आज कोटे के अंदर मैंने नाम कमाया है, और मेरी जिंदगी रही जहां तक मैं यही काम करूंगी जो मुझे अच्छे अच्छे मेरे मम्मी पापा बोल गए थे, वही मुझे करना है। इसके आगे मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ और मेरे देशवासियों को भी कहना चाहती हूँ कि पहले
तो किन्नरों को मंगलमुखी बोला जाता था, आज किन्नर बोलते हैं, कुछ गंधवल्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो? उनका बोलने का कारण है कि वो लोग आजकल मोबाइल पर देख देख के, बाहर की फिल्मों को देख के, वो उस मोड़ पे आकर के उनको गंदी नजर से हमें लोग हम लोगों को देखते हैं, उसी वजह से वो हमसे बात करते हैं। लेकिन मैं देशवासियों को यह कहना चाहती हूँ कि एक मंगलमुखी एक माँ का रूप होता है, माँ भगवती के रूप में होते हैं, और इस माँ किन्नर को माँ भगवती के रूप में ही देखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो गलत बोलता है उसको गलत एग्जाम मिलता है, कोई ऐसा एग्जाम मिलता है, क्योंकि जो किन्नर होते हैं असली, उनकी लोगों की ऐसी बद्दुआ लगती है, इतनी बद्दुआ लगती है कि उनका घर पर नभता नहीं है कभी भी, वो ना सक्सेस होता है ना सक्सेस हो पाएगा। हम लोग तो ये शादी में, ब्याह में, मकान के मुहूर्त में हम लोग जाते हैं, अच्छी अच्छी दुआ दे के आते हैं कि आप लोग सदा फले फूले, बच्चे सदा राजी रहे, परमात्मा तुम्हें सुबत बसा रहे, इस मकान के अंदर आपकी 14 पीढ़ियां निकले और शुभ घड़ी से आप इस मकान में फलो फूलो। फिर जी ट्रांजिस्टर में हमारा नाम रखा गया है, गवर्नमेंट से हमारी लड़ाई थी, सरकार से कहा हमें आम पब्लिक में क्या फर्क है, आपने इतना फर्क क्यों दिया है, तो सरकार से हमने बहस करके इन चीजों को जो आम आदमी का बारा हमने पदवी ली है, उन्होंने हमें इतनी पदवी दी है ना, और पदवी दी उन्होंने, लेकिन अब पब्लिक के ऊपर होता है कि वो पब्लिक उस चीज को मान्यता रखता है या नहीं रखता है। लेकिन नहीं रखेंगे तो इसमें आगे गवर्नमेंट भी कहती है, सरकार भी कहती है, उस आदमी को किस जगह रखा जाएगा जो आपसे अलग भेदभाव रखता है, समझाना। तो हम उसमें भी सही हैं और उस जगह पे भी हम सही हैं। फिर आदमी जो मांगने खाते हैं, नकली किन्नर जो टोल मांगते हैं, गाड़ियां मांगते हैं, इधर से बाजारों में मांगते हैं 2-2 रुपया, वो लड़का लड़की के बाप होते हैं, वो लड़का लड़की के पोता पोती के दादा होते हैं, उनसे कमा के नहीं खाए जाते, वो हमारे काम नाम को नष्ट करते हैं। इसमें सरकार को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस नाम के धब्बे को नष्ट किया जावे, है ना, और मंगलमुखियों का उज्जवल नाम पे उन्नति दी जावे। अब अगर हम आपके बचपन के दिनों में जाते हैं, तो मतलब कभी भी ऐसी बातें हुई आपकी आपके माता पिता के साथ में कि जब आप जन्मे, जैसे आपने बताया कि उन्होंने आपको बहुत प्यार से श्याम नाम दिया था जो श्री कृष्ण जी के नाम पर ही है, तो जब उन्होंने आपको ये नाम दिया तो कभी उन्होंने बताया कि बेटा जब आप पैदा हुए थे या जब आप हमारे घर में आए थे तो कुछ इस तरह का माहौल हुआ था हमारे घर में, कभी आपने करा डिस्कस करा उनसे? उस टाइम तो डिस्कस मामला कुछ अलग ही रहता ना, जब जन्म लेता है तो डिस्कस अलग, उसका अलग से हिसाब से होता है कि कहते हैं कि जन्मता तो बैंड बाजे बजते हैं लेकिन पीछे थोड़ी बच्चे बजते हैं। हमारे घर में वो कहानी भी थी, मैं उसको भी बता दूं। हाँ जी बताइए। जब अपने माँ बाप के घर में जन्म लिया था, उस टाइम मेरे माँ बाप ने इतना गौर नहीं करा था, क्योंकि वो गरीब लोग थे, मेहनत मजदूरी करके पेट भरते थे। एक मेरा सगे बुआ जी का लड़का था, मेरे बुआ जी के लड़के ने, जब मैं स्टेज पे नाचने जाती थी तो मैं नाचने लगी तो मेरा बुआ जी के लड़के ने ऑब्जेक्शन उठाया। ऑब्जेक्शन उठाकर बोला कि इसको तो खत्म कर देना चाहिए, है ना, ये तो किन्नर है, इसको अपना नाम पे धब्बा लग जाता है, अपने कास्ट पे धब्बा लग जाता है, अपने परिवार में 7 पीढ़ी में धब्बा लग जाएगा। तो मेरे पापा को बोलते हैं मामा जी इसको तो अपन खत्म कर देते हैं, तो अपना नाम ही खत्म हो जाएगा इसका। अभी जैसे आपने बताया कि जब आप पैदा हुए थे उस टाइम का माहौल तो डेफिनेटली आपको नहीं याद होगा क्योंकि आप इतने छोटे रहोगे, लेकिन बाद में आपके किसी भाई ने ऑब्जेक्शन उठाया और बोला कि ये हमारे परिवार पर एक धब्बा है, जब ये बात आपको पता चली आपने क्या करा सबसे पहले? जब ये मैंने सुना तो मैं घर से निकल गई। अच्छा, घर से निकल गई मैं,
क्योंकि मैं मंदिरों में भजन संध्या में मीना चने जाती थी, गरीब परिवार था, मैंने मेरे मम्मी पापा को उनको कमा के खिलाया है ना। तो बड़ा भाई मेरा परिवार तो सीधा ही था, मेरे भाई थे तीन चार, वो बड़े सीधे थे, लेकिन मेरा परिवार बड़ा तेज था। मैं बुआ जी के लड़के, दाऊ जी का लड़का, ये तेज थे हमारे। तो कहते कि इसको नष्ट ही कर दे, अपन नष्ट करने से अपना परिवार में धब्बा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने घर छोड़ दिया। तो मैंने वहां से घर छोड़ दिया। आप चले गए। आपके माता पिता थे उस टाइम पे? थे। उन्होंने रोका आपको या बिना चुपके से निकल रोए वो? वो गए, मैं जहाँ गई वहाँ गए वो। माँ तो अभी 8 साल हुई जब मरी है, पापा तो मेरे 45 साल हो गए जब मर गए थे। सीधे थे बहुत मेरे मम्मी पापा। हाँ जी। लेने भी आए लेकिन मैं नहीं गई। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हम एक वक्त की एक ऐसी परछाइयां होती है, तो हम दो रोटी से भी मुस्ताज थे। फिर वहां से निकल गई मैं। निकलने के बावजूद अपना मुड़ के नहीं देखा। फिर गांव के लोग भी कहने लगे, बड़े सेठिया लोग बोले, किसी का नसीब में लिखा होता तो होता है ये, है नहीं, कोई जानकर नहीं करता है ये, तो भविष्य की लिखावट होती है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। तो मैं वहां भी गई रही, लेकिन कोई शब्द अच्छा बोलता, कोई अपशब्द बोलता है, फिर मैं वहां नहीं रही। फिर वहां से वापस चली आई। अच्छा, तो मंगलामुखी शब्द एक अभी आपने बोला था, जैसे हमारे वेद पुराणों में मंगलामुखी शब्द दिया गया है जी, मतलब बोलते हैं कि किन्नरों की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, जितना भी आशीर्वाद आप ले सकते हैं आपको उतना लेना चाहिए। जब मैं थोड़ा पढ़ रही थी तो रामायण का एक एपिसोड आता है जिसमें श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो सारे अयोध्या वासी उनके पीछे पीछे गए थे, उनको थोड़ा दूर तक, होता है ना, सी ऑफ करने के लिए जाते हैं जैसे हम ये बोलते हैं आजकल, विदा करने के लिए। हाँ जी हाँ, विदा करने के लिए गए थे। तो हर कोई वहां पे पहुंचा था। जब रामचंद्र जी ने अकेले अपना सफर वहां से तय करा, उस समय उन्होंने बोला कि जितने भी नर नारी जो भी साथ में मेरे आया है, आप सब लोग अयोध्या वापस चले जाइए। फिर उसमें ये बोला गया कि श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं बोला कि जो किन्नर लोग यहाँ पर आए हैं आप लोग भी वापस जाओ। तो जो किन्नर समाज के जितने लोग थे वो वहीं पर ही रुक गए, इस तरह से बोला जाता है कि ये हमारे शास्त्रों में लिखी गई बातें। तो अगर सपोज आप मानो कि अगर उनमें से एक आप भी होते, सपोज अभी आपके साथ होती ये चीज, है ना, तो आपको कैसा लगता कि यार श्री रामचंद्र जी भूल गए हमको, याद नहीं रही उनको हमारी, या क्या लगता आपका रिएक्शन क्या होता? अयोध्या से ही ये उत्पत्ति थी किन्नर की। वहां नर नारी थे, सरयू के किनारे जब माता को कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया था, भरत के लिए राज्य दिया था, तो भरत के लिए राज्य देने में राजा रामचंद्र जी भी खुश हो गए थे। और दुखी थे राजा दशरथ जी, माँ कौशल्या दुखी थी कि मेरा बेटा वनवास जा रहा, लेकिन उन्होंने वो भी अपनी माँ से ज्यादा माँ समझ करके उनकी आज्ञा का पालन करा। आज्ञा का पालन करने के पीछे वो राजा रामचंद्र जी जाने लगे, तो लक्ष्मण जी बोले, बोले मेरे भैया की सेवा कौन करेगा? तो लक्ष्मण जी बोले कि मैं भी भैया के साथ ही जाऊंगा। माँ सीता बोली, बोले मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी, जब मेरे पति जा रहे हैं, मेरे राजा रामचंद्र जा रहे हैं, तो मैं अयोध्या में रहकर क्या करूंगी। तो तीनों प्राणी वहां से चले, पूरे अयोध्यावासी गए। अयोध्यावासी जाने के साथ उनके साथ किन्नर भी गए, वहां रहे। वहां निषाद राज को बुलाया गया, निषाद राज का और राजा रामचंद्र जी का वार्तालाप हुआ। वार्तालाप हुआ तो राजा रामचंद्र जी ने बोला, बोला निषाद राज हमें आप यहाँ से बाहर उतार दो। राजा निषाद राज बोला, बोले नहीं प्रभु, मैं नहीं उतार सकता आपको। एक पत्थर की शिला रस्ते में पड़ी थी अहिल्या, उसके आपके पैर लगते वो नारी बन गई, और क्या पता मेरी नौका भी एक नारी बन जाए तो मेरे बच्चे भूखे मर जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। के नहीं साहब, नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बोले क्या करोगे? के मुझे आपका पैर लाओ और मेरी कठोटी में पैर रखो। आप कठोटी में पैर रख करके मैं इनका धो करके और मैं चलना मत लूं तो मेरे जिंदगी, मेरे बच्चों की जिंदगी सफल हो जाएगी। उस वक्त में जब राजा रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी बैठे, तो थोड़ी नौका उन्होंने हिला दी। अच्छा। श्री निषाद राज ने हिलाते भगवान थोड़े से कब कभी छोड़ते, उन्होंने सर पे हाथ रख दिया राजा रामचंद्र जी ने निषाद राज के। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ पा लिया।
अब ये नारी नहीं बन सकती है, ये तो आशीर्वाद मुझे ही दिया है राजा रामचंद्र जी ने, तो उसको करके अब हाथ जोड़ के उसी नौका में राजा रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माँ सीता बोली, बोले नर नारी सब यहां से जाओ। तो नर नारी रोते रहे, उनके हाथ जोड़ के उनसे विनती करे, मत जाओ प्रभु, मत जाओ प्रभु, लेकिन निषाद राज उनको नौका को लेके सरयू से पार करने लग गया। सरयू के पार हो राजा रामचंद्र जी हो गए, उनको वहां सरयू के किनारे उतार दिया पल्ली पार। वहां से उतारने के पीछे अब नर नारी एक रात वहीं पड़े रहे, एक रात नर नारी वहां ही रहे। दिन उग गया, दिन उगने के पीछे नर नारी वहां से गए। जाते ही उन्होंने बोला, मंगलमुखी बोले, बोले नर नारी बोले प्रभु, तो अपन को तो कुछ बोले ही नहीं है, तो अपन क्या करें। बोले नहीं चले, अपन यहां ही रहेंगे। तो किन्नरों ने, नर नारी गए, किन्नरों ने बैठ के बात करी, इसमें भी कुछ रहस्य हो सकता है जो प्रभु ने अपन को नहीं बोला। कोई बात नहीं, एक पैर पे पैर रख करके साधु संत की तरह हाथ जोड़ के उन्होंने 14 वर्ष तपस्या करी किन्नर ने, मंगलमुखी ने। जब राजा रामचंद्र वापस में उठ के आए तो मैं बोले, बोले मैं तो बोला था कि नर नारी यहां से सब चले जाना, बोले आप क्यों नहीं गए। तो उस स्थान पर किन्नर का भी प्रभु ने पार नहीं पाया था, वो भी पहचान नहीं पाए थे। क्यों? उस सतयुग के जमाने में एक ही किन्नर समाज में मंगलमुखी में ऐसी सतियां थी जो पेशाब करती ना, उस पेशाब में दिया जलाती थी, पेशाब के अंदर रुई की बत्ती बना करके हथेले में दिया जलाती थी, तो वो दिया जलता था, इतना सत्यपन था। उन्होंने कहा फिर क्या बोला, क्या करूं आपका, मैं प्रभु आप ही जानो, आपकी लीला तो अपरंपार है। के बोले जाओ, दुनिया का राज चलेगा जाएगा, राजा महाराजा का राज खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका राज कलयुग में एंड तक रहेगा। इतना कह के नर नारी और श्री राजा रामचंद्र जी अयोध्या को लौट गए। अच्छा, इस तरह से ये रहा है। इस तरह। अब जैसे मैं बताऊं, अगर मैं मेरे बचपन की बात अगर मैं करती हूँ, तो मतलब मुझे ये सिखाया गया था, जैसे कि कभी होता था आसपास आते थे किन्नर लोग आते थे, जैसे कि वही बधाई देने के हिसाब से अगर कभी आते थे, तो हमको ये बोला जाता था कि उनके पास मत जाना वरना वो आपको उठा के लेके चले जाएंगे। पर आप समझ रहे हैं, बचपन से एक बच्चे के अंदर ये डर डाला जाता था कि अगर आप उनके पास गए तो वो आपको उठा के लेके चले जाएंगे, है ना। और हम उनको ना चुप चुप के देखते थे, अगर मैं आपको बताऊं, दीवार से इधर उधर से चुप चुप के देखा भी करते थे हम। तो ऐसे ही मतलब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये कितना सही और कितना गलत है, हमारे समाज में कितना गलत है कि आप इस तरह से एक बच्चे को, जो एक छोटा है, उसके अंदर आप इस तरह का डर डाल रहे हो। ये सब आम पब्लिक बोलती है, ये सब गलत है। एक माँ जितना प्यार नहीं देती है, उतना किन्नर अपनी गोद में लेकर के, अपनी गोद में खिला करके उतना लंबा आशीर्वाद देती है तो बेटा तू सदा जुग जुग सदा जुग जुग जी, मेरे लाल सदा जुग जुग जीना, सदा हमेशा तेरा राज चलेगा, सदा में सर तेरी उन्नति रहेगी, सदा तू हमेशा उन्नति करेगा। ये जब लोग कहते हैं वो सब गलत है, वो दिमाग के अंदर गलत प्रश्न डाल देते हैं, उस प्रश्न में आदमी थोड़ा बिजी हो जाता है, उस वर्ड को पहचान नहीं पाता है। क्यों? कि वो कम दिमाग का होता है, जो दिमागदार होता है, जो रामायण का पढ़ा हुआ होता है, इस शब्द का वो कभी भी दिमाग के अंदर कचरा नहीं लाएगा, वो अपने बाहर ही अकेले रखेगा इस कचरे को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। ये अगर सपोज आप माने कि किसी घर में अगर कोई किन्नर होता है और माँ बाप चाहते हैं कि वो बच्चा रहे हमारे साथ, है ना, भले दुनिया कुछ बोले, चाचा कोई बोले, ताऊ कुछ भी बोले, हमको भी फर्क नहीं पड़ता, हम इसको अपने साथ रखना चाहते हमेशा, जब तक हम रख सकते हैं, तो ऐसा होता है, कर सकते हैं ऐसा? ऐसा होता है कि जिसके घर के अंदर एक किन्नर पैदा हो जाता है, उस घर में हम नाचने जाते हैं तो हमारी ढोलक फूट जाती है, अचानक ढोलक फूट जाती है। अच्छा, हम उस बच्चे को ला भी नहीं सकते। अच्छा, उस बच्चे की हम जोड़ी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि आज अच्छा, आज का हम अच्छाई का काम करेंगे, वो बुराई का वड़े सामने पेश हो जाएगा, कि गवर्नमेंट उस चीज को मानती नहीं है।
मतलब ऐसा कुछ नहीं होता ना कि जोर जबरदस्ती से किसी बच्चे को आप लेकर आ जाए कि वो किन्नर है तो जबरदस्ती लेकर आ जाओ, नहीं। किसी के बच्चे को किन्नर हो चाहे बच्चा हो तो हम उस पर लेकर नहीं आते हैं, ये सब गलत बात है। हाँ, मतलब जब तक जैसे कि आपने बोला जिस दिन मेरा मन करा मैं उस दिन निकली, मतलब आपके साथ किसी ने जोर वो अपने मन से निकलेगा, वो अपने दिल से निकलेगा, और एक दिन ही जो किन्नर पैदा होता है उसको इसी मोड़ पे आना पड़ेगा, चाहे वो बचपन में आए या जवानी में या बुढ़ापे में आए, लेकिन आना इसी में पड़ेगा। वो खुद ही अपने मन से लगने लगता है आ जाएगा कि नहीं मैं वहीं जाकर के उनके साथ रहूं, तो उसको वहां अच्छा नहीं लगेगा। किन्नर का एक रहन सहन, इसकी बातचीत, एक हंसी मजाक आपस में, वो अलग टाइप की होती है, तो उसी में रहना पसंद करेगा, वो परिवार में रहना पसंद नहीं करेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है, किस उद्देश्य के साथ भगवान ने आपको बनाया होगा? इस उद्देश्य का ये मामला है कि इस जन्म में तो जब से अपन ने देखा है, मैंने देखा है, जितने भी किन्नरों ने देखा है, वो गलत काम नहीं करें, लेकिन अगले जन्म के, पूर्व जन्म के अगर कोई संस्कार गलत है, कोई कार्य गलत है, तो उसी के प्रताप से, उसी की बद्दुआ से, उसी के हिसाब से प्रभु ने ये योनि दी है। मतलब कुछ ना कुछ पहले जन्म में कुछ हुआ है, कुछ गलत हमसे हो गया, इसलिए हुआ, तभी तो मंगलमुखी किन्नर का जन्म दिया है। अब ये तो प्रभु ही जानता है कि क्या है रहस्य, क्या है उसकी, इसका इस प्रश्न का उत्तर तो उनको ही देना था, उन्होंने दिया। गलत किया तो गलत का निर्णय तो उन्होंने दिया, उसका तो इंसान नहीं दे सकता है। लेकिन हालांकि ये बात है कि प्रभु की और किन्नरों की मंगलमुखी दुआ में थोड़ा 19-20 का ही फर्क होता है। हाँ, नहीं, ये तो बचपन से सुना है, देखो, क्योंकि अंदरूनी आत्मा से किन्नर अगर वो दुआ देगा तो वह दुआ जिंदगी भर उसको फलेगी। किन्नर है तो वो जो नकली किन्नर है के कपड़े पहन करके किन्नरों का रोल करता है, उसकी कोई बद्दुआ नहीं लगती, कोई दुआ नहीं लगती। बहुत सारे लोग करते हैं ना, कई बार होता है कि मतलब वो बोलते हैं ना बहरूपीपन सारी जगह होता है। एक बहरूपिया अलग चीज है, उनका खानदानी काम है। मैं एक किन्नरों का बता रही हूँ जो किन्नरों का रोल करता है आदमी, लड़का लड़की का बेटा बाप और पोता पोती का दादा। आजकल के जमाने में चोरियां चल रही, कमा के खा नहीं सकता आदमी, किसी की चेन तोड़ी, किसी का हार तोड़ा, किसी गाड़ी चुराई, तो यही कारण है कि वो कमा के नहीं खा सकता है, तो उन्होंने कपड़े लूज कर लिए, लूज करके ताली बजाना काम चालू कर दिया, कि काजल बिंदी लगाना चालू काम चालू कर दिया और ताली बजाना काम शुरू कर दिया, उससे वो कमा के खा रहे, लेकिन उनकी बद्दुआ भी नहीं लगेगी, है ना, और उनकी दुआ भी नहीं लगेगी। दुआ एक किन्नर की लगती है। बट कितना गलत है, देखिए, मतलब इंसान कितना गिर गया है। मैं आपको आपको बता रही ना कि आदमी ऐसा गिर गया ना कि आदमी, आम आदमी इस संसार के अंदर, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आपने पूछा प्रश्न, उसका मैं थोड़ा जवाब दे रही हूँ कि बाहर तो किन्नर बन के कमा रहा और उसकी माँ एक वेश्यापन करने लग गई जो महिला को नहीं करना था, वो आदमी खुद करवाता है अपनी गरीबी अमीरी को देख के, उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गिरे हुए आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं किन्नर बन के कमा रहा हूं, मेरे 7 पीढ़ी तक कितनी छाप लगेगी, कितना परिवार बदनाम होगा, और मेरी महिला इस तरह का काम कर रही है तो उसमें कितना फर्क पड़ेगा। अगर समझदार आदमी हो और नॉलेज वाला और पढ़ा लिखा हो तो इस काम को ही नहीं करेगा। लेकिन वो आदमी एक कमाने खाने के पीछे वो किन्नर बन करके मांगने खाने लग जाता है, क्यों कि हमने कितने नकली किन्नर पकड़े हैं, मैं स्टेशन पे भी पकड़े हैं, मैंने रामपुरा में भी पकड़े हैं, मैं हिंदू धर्मशाला में पकड़े हैं मैंने, और मेरे रजिस्ट्रेशन पे भी पकड़े हैं, लेकिन आजकल पुलिस ऐसी होती है कि गाड़ियों में मांगने जाते हैं, जो किसी के बेचारे औरतों के चाटा मार देते हैं, आदमी को चाटा मार देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस भी उनसे मिली जुली होती है, क्योंकि वो कमाते हैं तो उनसे लेकर के वो पैसा खा लेते हैं, फिर उसको गाड़ी पे चढ़ा देते हैं, ये भी होता है।
होता है, होता है, अवश्य होता है। नहीं नहीं बिल्कुल, आपने देखा होगा तभी आप बोल पाए। मैं बंद कर चुकी हूँ और मैंने सब कुछ करा। पहले रेलवे स्टेशन से चढ़ते थे, अब जाकर के गुड़गांव, वहां से चढ़ते हैं गुडली से, इधर चढ़ते हैं डकनिया से, आगे दरा से चढ़ जाते हैं, आगे पाटन से कापरन से चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ाते हो आप? आपको क्या मतलब है? आपको पाबंदी दी गई है तो आप उसी पाबंदी से इनको रखो ना। आखिर में हार के हम लोग ही बैठ गए, लेकिन वो लोग नहीं मानते, नहीं मानते। पैसा, पैसा, इस जमाने के अंदर आदमी को पैसा ही चाहिए। वो अपने माँ को, अपने पिता को भूल चुके हैं, अपने स्वपरिवार को भूल चुके हैं इस पैसे के आगे। पैसे के लिए माँ को मार रहे हैं, बेटे माँ को मार रहे हैं, ऐसी भी कई खबरें आती हैं। वृद्धाश्रम में, वृद्धाश्रम में, हाँ, वहां भेज रहे हैं। समझा ना, 100 बीघा जमीन वाले बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं और खुद अब अपनी पत्नी के साथ शराब कर रहे हैं, एंजॉय करते फिर रहे हैं शराब की, गलत चीजों की। लेकिन ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, अच्छा तो नहीं है। अब जैसे आप एक गुरु माँ हैं, आपके बहुत सारे चेले होंगे घर पर, आप जैसे रहते हैं तो आपने कुछ रूल्स बना रखे हैं? मतलब आप डांटते भी होंगे, प्यार भी करते होंगे, सब करते होंगे, तो किस किन चीजों के लिए आप डांटते हैं, या आप उनको सजा भी देते हो क्या कभी अपने चेलों को? मैं अपने चेले आते हैं, मेरे पोती चेले आते हैं, मैं इस वक्त कोटे की सबसे बड़ी हूँ, उनको मैं इस बात की नॉलेज देती हूँ कि बेटा अपन में सर उगाड़े नहीं रहते हैं। गुरु के, दाद गुरु के सामने अपने सर उगाड़े नहीं रहते हैं। कोई 15-20 साल का लड़का है उससे ऐसे हंसी मजाक नहीं करना, भैया जी जय श्री कृष्णा जय श्री राम, अपना इतना ही बोलना है, है ना। अगर गलत रास्ते में जाते उनको मैं डांटती भी हूँ, उनको मैं कभी कभी मार भी लेती हूँ। अच्छा, पिटाई करते हो आप? पिटाई डंडा। अच्छा, तो वो एक बार समझाने में समझ जाते हैं। मैं बोली मेरे हमारे गुरु के सामने हमने सर से साड़ी नहीं उतारी थी, पहले हमारे में इतना घूंघट लेते थे, इतना घूंघट रखते थे गुरु के सामने, लेकिन इतना तो रखो यार, है ना। तो मैं अपने हिसाब से, जो मेरे बड़े बूढ़े थे मेरे दाद गुरु के टाइम से, तो मैं उसी हिसाब से चलती हूँ, उसी हिसाब की उनको नॉलेज देती हूँ, बेटा अपना गलत काम नहीं करना। आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो आपको मान्यता मिलेगी, आप किसी से मजाक करोगे तो आपको छेड़ेगा। तो अपनी संस्कृति को खत्म नहीं करना, संस्कृति खत्म कर दी तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आपकी कोई मान्यता ही नहीं रहेगी। सही बात है, संस्कृति तो सबसे पहले है। आपको कभी ऐसा मन नहीं करा कि मेरा परिवार होना चाहिए, इस तरह से मैं रहूं घर में जैसे होता है नॉर्मल एक लाइफ जो रहता है इंसान, कभी आपको मन करा? मेरा मन ऐसा कभी आया? मेरा मन करता है कि मेरा परिवार मेरे पास होना चाहिए और मेरा परिवार मुझसे बात करे, वैसे सामने नहीं आए तो फोनों में बात करे। लेकिन मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ भी मेरे पास खत्म हुई है, उसका सारा मैंने करा है। अच्छा। और पापा का भी मैंने करा है, मेरे भाई का भी मैंने करा है, मेरे भतीजे आते हैं मुझे अपनी बुआ की तरह मानते हैं, मेरी भाभी मुझे नंद की तरह मानती है, मेरी ताऊजी की लड़की है मेरे ताऊजी के लड़के हैं सब मुझे अपनी बहन की तरह बुआ की तरह मानते हैं, मुझे मैं छोटी हूँ मुझे ओढ़ा पहना के जाते हैं, मुझे बहुत बड़ा सम्मान देते हैं, मुझे इतना सम्मान देते हैं कि मैं उसका इतना देते हैं कि उसका कोई पार नहीं, अपार है वो, उसका मैं बिखान नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल। अब जैसे एक हम बात करते हैं 15 अप्रैल 2014 नालसा एक एक्ट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया था कि जो किन्नर हैं उनको भी एज थर्ड जेंडर रिकग्नाइज किया गया और बहुत सारे मूल अधिकार मिले, तो क्या चेंज, कुछ चेंज आया आपकी जिंदगी में? आपको लगा कि यार 2014 के बाद में ये चीज बदली मेरी जिंदगी में? जो ट्रांसजेंडर में जो बदलाव आया था, मैं उस वक्त में मीटिंग में गई हुई थी वहां पे, अदालत के ऊपर मैरिज हॉल है, ऊपर मीटिंग हॉल है, मैं उसमें 4 बार मीटिंग में गई हूँ।
मेरे भी उनसे रखा था कुछ प्रस्ताव कि आप एक किन्नर कॉलोनी बना कर दो। अच्छा। उन्होंने बोला कि शहर के अंदर देंगे। मैं बोली शहर के अंदर आप दोगे तो माहौल खराब होएगा, एक किन्नर जाते से होती है ताली भी बजाएंगे, उनका शाम को टाइम नाच गाना भी होगा है, उनका अपना टाइम पास भी करते हैं, ढोलक तबले भी बजते हैं, है ना, वो सभी खुशियां मनाते हैं। लेकिन देखो उनका बीच में गृहस्थियों में रहने से उनका माहौल भंग हो जाता है, आप यहाँ नहीं दीजिएगा हमें दो तो अलग कॉलोनी बना के देना, और हम आपसे ये निवेदन भी करते हैं कि उसी में हमारा मेडिकल देना और उसी में हमारा एक मेरिजोल बना के देना। आज मेरा जन्मदिन मनाया, कल उसने मनाया, है ना, हम कोई पार्टियां करें तो हम सारे किन्नर उसमें पार्टी कर सकते हैं। लेकिन अलवर में भी गए, अलवर भी गई थी मैं मीटिंग में, मैंने बोला साहब मैं एक बात से, किन्नर बोलने में उस टाइम पे बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन मैं खड़ा करने में नहीं चुकती। मैंने माइक लेकर बोला, मैं बोली साहब ये सब झूठी बातें हैं, आपने तो इनको इतना लिफ्ट दिया है कि आप पढ़े लिखे हो तो आप नौकरी करिएगा, पढ़ाने के लिए भी सरकार ने बहुत करा, ट्रांजिस्टर भी पढ़े। उस जगह एक लड़का था, एक किन्नर था, वो किन्नर मर्द बन के आया। अच्छा। मर्द बन के आया, पहले लिंग परिवर्तन करवा लिया, हाँ जी, पीछे वो वापस करके एक औरत से शादी कर ली। जैसा भी करा शादी कर ली। मैंने पूछा, और उसी मीटिंग के अंदर आया था वो, अलवर के अंदर। मैं बोली बेटा क्या है, मैं तू आवाज भारी भारी है, तू कैसे है, तो बोले मैं किन्नर ही था। एक लड़की थी वो भी किन्नर थी, उसने अपना होलिया पलटा के वो औरत बन गई। वैज्ञानिक आजकल ऐसे चले हैं कि एक एक किन्नर को औरत बना देते हैं। बिल्कुल हो रहा है, ऐसा हो रहा, लेकिन गलत है। अच्छा। अगर उस सिस्टम को आप वैज्ञानिक के साथ में इसको अपने हुलिया को पलटा दोगे तो उसकी दुआ बद्दुआ दुआ नहीं लगेगी, उसकी दुआ कभी नहीं लगेगी। समझाना, तो वहां पे वो हुआ, वहां पर होने के पीछे मैं बोली बोले माताजी मैं ऐसा ऐसा था, वो ये भी ऐसा ऐसा थे, तो हम दोनों ने शादी कर ली है ना, शादी करके ये भी किन्नर में भी किन्नर, ये अर्धनारी बन गई है और मैं भोलेनाथ बन गया। मन के धन्यवाद देती हूँ आपको बहुत बहुत, आपने अच्छा काम करा, लेकिन ये काम किन्नरों में नहीं होता है। फिर मैंने वहां पे दो प्रवचन बोले स्टेज के ऊपर, मैं बोली आपने ये रूल कैसा निकाल दिया, मैं सरकार से निवेदन करती हूँ आप ये गलत गलत रूल निकाल रहे हो, ये बहुत गलत है। लिंग परिवर्तन जो आप कहते किन्नर से किन्नर, किन्नर एक शादी कर सकता है आम आदमी से, मैं उनसे प्रश्न करा इस बात का, आज मुझे इस बात का प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि आप एक किन्नर को अलाउ कर रहे हैं कि आप शादी कर सकते हो, है? तो किन्नर को तो कोई बच्चा नहीं होगा, है? अब आप इसको अलाउ कर रहे हैं तो एक किन्नर 10 आदमी के पास जाएगा तो फिर 10 औरतों का घर बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। अब लोगों तो 10 घर बर्बाद हो गए, तो उनके मेरे थोड़ी बहस चली, बहस चलने के उनके इस बात को अलाउ मत करो। साहब बोले बोले कोटा से तारा बुआ जी आई है गद्दीपति, ये इस बात का ऑब्जेक्शन उठा रही हैं, तो मैं इनके सामने सही ऑब्जेक्शन उठा रही हूँ, आपने गलत नहीं ले लिया ये है, इसमें कितने आदमी कितनी औरतों का घर बिगड़ेगा, क्यों आजकल के बच्चे तो गलत माहौल पे गलत लाइन पे जल्दी चलते हैं इस मामले पे। बोले क्या करोगे आप, औरतें तो काली भी होती है पीली भी होती है थोड़ी बहुत शक्ल भी होती है, सभी थोड़ी होती है क्या, आप जैसे सुंदर सभी मिल जाएगी, सभी सुंदर नहीं होती है। तो मैं इतनी बात कह करके उनसे मैंने उस आगे प्रस्ताव रखा,
बोले तारा जी आगे हम विश्वास को देखेंगे। अच्छा। मैं चुप हो गई। अच्छा, लेकिन आपने अपनी बात वहां पे रखी। मैंने पूरा प्रस्ताव रखा, मैंने शुरू से एंड तक प्रस्ताव रखा मैंने। क्यों? कि इसी माहौल से आपने भी अभी सुना होगा, कुछ दिन पहले यहाँ चौराहे पे लड़ाई हुई थी, महात्मा इंदिरा गांधी चौराहे के ऊपर, यहाँ पे आपस के किन्नरों में, उसमें एक असली था और 20 नकली थे। अब ये 20 नकली किन्नरी तो आदमी को बिगाड़ने वाले, ये आदमी को बेकारने वाले। क्यों? कि लुगाई में तो इतनी अदा होती नहीं है, औरत में इतनी अदा नहीं होती है जितनी किन्नर अदा कर सकता है, जितने हसी मजाक के माहौल में आदमी को ला सकता है। केवल सिर्फ सिर्फ 100 में 2 औरतें मिलेगी ऐसी, लेकिन औरत तो अपना औरत के हुलिया से ही रहेगी। इसलिए मैंने ये ऑब्जेक्शन अलवर के अंदर उठाया था, और यही मैंने एसवी साहब के बंगले पर उठाया। मतलब एक ही लड़ाई है आपकी, कि आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपना साथी बनाना है, अपना साथी रखना है, तो उसको लिखाई पढ़ाई कर करके तू चाह जिंदगी में, तू मर जाए तो मैं तेरे से, तू जिएगा, बीमार पड़े तो मैं सेवा करूंगी, मैं बीमार पड़े तू सेवा करेगा। लेकिन तू कल से किसी के जा रही, इधर मुंह मारे उधर मुंह मारे, दुनिया का हाल हवाल को अगर गलत मौके पे ले जाए तेरे, तो वो नहीं चलेगा। साथी तो अपना जीवन साथी सब बनाते हैं, लेकिन साथी बनाने का एक तरीका होता है, इस तरीके के रिवाज में लाया जाता है। आज मुझे जानते हैं, मैं कोटे में रही हूं, इसी हनुमान जी के मंदिर पे मैंने तुलसी विवाह करा, इसी पे गाय बछड़े की करी, इसी पे बड़े पीपल की शादी करी, इसमें भोलेनाथ की करी, इसी मंदिर से मैं, मेरे से क्या बनता, गरीब लोग बस्ती माता का जो पैसा होता है उससे मैं आदमी, गरीब आदमी जो नहीं जा सकते हैं उनको मैं पैसा इकट्ठा करके 2-5 साल में उनको 3 धाम की यात्रा करवा लेती हूँ। मेरा ये कर्तव्य और मैं यही करती हूँ। बिल्कुल। अब जैसे हम प्रथाओं के बारे में बात करते हैं, एक जैसे किन्नरों में जो ताली बजाने की प्रथा होती, जो भी आपने बोली भी थी कि हम लोग शाम को करते हैं, गाना बजाना करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो उस ताली बजाने के पीछे क्या रीजन होता है? मतलब ताली भी बजाने का अलग ढंग होता है, तो ऐसा क्यों होता है? ताली बजाने का ये रीजन होता है कि उस साज पे ऊपर अगर ताली, अगर उसके सुर में मिल गई ढोलक के हारमोनियम पे, तबले के, तो वो किन्नर असली है। अच्छा अच्छा, तो वो पहचान होती है कि उस तरीके से आप ताली बजा पा रहे हैं कि नहीं बजा पा रहे। ओके। एक और चीज है, जैसे जब बोला जाता है, जैसे किसी किन्नर की मृत्यु जब होती है, तो जब उसकी शव यात्रा निकालते हैं, तो बोलते हैं काफी जश्न मनाया जाता है ढोल नगाड़ों के साथ में, तो इसके पीछे का क्या है रीजन? जब किन्नर की मृत्यु होती है तो ये लोग जो बात बनाते हैं, कोई तो कहते हैं उनको जूतों से मारते हैं, मैंने भी सुना है ये वर्ड, है ना, और कोई कहते हैं कि जश्न मनाते हैं, कोई कहते हैं कि ढोल नगाड़े से जाते हैं, ये सब गलत प्रथा है, ये सब गलत वर्ड है। जो किन्नर मरता है तो बाकायदा उसको वही आते हैं मोहल्ले के आदमी, रिश्तेदार आते हैं, उस शव को उठा करके ले जाते हैं। अगर मुसलमान है तो उसको दफनाया जाता है, और हिंदू है तो उसको समाधि ली जाती है। हमारे में जलाने की प्रथा नहीं है। हाँ, जलाने की प्रथा नहीं होती है, वो करा जाता है ना, जमीन में दबाया, दफना दो, समाधि लवा दो, समाधि दिलवाई जाती है, और मुसलमान होते हैं उनको कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। अच्छा, इस तरीके से किया जाता है। अच्छा, जलाते नहीं है। जलाते नहीं। हाँ जी। एक और चीज है, जैसे कि अभी आपने बोला कई सारी सामाजिक बुराइयां होती है, एक बहुत एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ, कभी होता ना कि कोई बच्चा गिर गया, चोट लग गई, रो रहा है, तो उसको बोलते हैं घर वाले कि क्यों रो रहा है, लड़कियों की तरह रो रहा है। इवन कई बार तो ये भी होता है कि अगर किसी ने कुछ नहीं करा तो उसको ये बोलते हैं कि अरे जा चूड़ी पहन के घर पे बैठ जा, तू तो तुझसे नहीं होगा काम। मतलब इस तरह के बहुत ही अजीब से कमेंट दिए जाते हैं,
ऐसे कमेंट आता है आपके समाज से भी, मतलब हिजड़ा वर्ड जो होता है उसको कई बार गलत तरीके से भी यूज किया जाता है, मतलब बोला जाता है कि क्या तो हिजड़ा है, इस तरीके से बोला जाता है। तो कभी अगर आपने ऐसा कुछ सुना हो या कभी आपने किसी के थ्रू सुना हो तो आपका रिएक्शन क्या होता है, आप क्या बोलते हो? ये वर्ड मैंने भी सुना है, अपने कानों में सुना है, मेरे सामने का बोला है, लेकिन ये वर्ड बोलते हैं एक ही आदमी को आदमी मराने के वर्ड होते हैं, आदमी को आदमी को लड़ाने के वर्ड होते हैं। क्या तूने चूड़ी पहन ली, एक बच्चा होता है छोटा सा बच्चा हो तो रोता है, वो तो एक धीमी आवाज में मीठी आवाज में रोता बच्चा। भगवान कृष्ण पैदा होते कितनी धीमी आवाज में रोए थे, कितनी बारीक आवाज में रोए थे, है उसका कोई पार ही नहीं था। तो बच्चा एक भगवान का रूप होता है तो वो अपनी मीठी मधुर वाणी से ही रोता है। फिर रहा आदमी से, आदमी जब लड़ता है तो उसको एक बोल देता कर तूने क्या चूड़ी पहन रखी क्या, वो बोलता सामने वाली पार्टी मैंने क्या चूड़ी थोड़ी पहन रखी है। एक ही लड़ने के चाकू छुरी चलाने के वर्ड होते हैं, उस वर्ड के पीछे आदमी लड़ता झगड़ता है, अच्छे बुरे बोलने के पीछे इन्हीं पे लड़ाइयां होती है कि तू ही जड़ा है, तू चूड़ी पहन रही है तेने। तो एक ही आपस में लड़ने का माहौल के वर्ड, ये वर्ड होते हैं लड़ाने के मराने के वर्ड होते हैं, और कोई कारण नहीं इसमें। अब नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, मतलब सच में आप लोगों का नेटवर्क जियो एयरटेल आइडिया कुछ भी आप बोलो उससे तो सुपर फास्ट है। मतलब मुझे भी बड़ा लगता था, मतलब अभी तो चले मोबाइल फोन है, लेकिन जब मोबाइल फोन नहीं होते थे तब भी अगर किसी के घर में शादी है या किसी के घर में कोई नया छोटा बच्चा हुआ है आप लोग आ जाते हैं, कैसे पता चलता है आप लोगों को? ऐसा होता है, ये आज मैं 50-60 साल से जा रही हूँ, मुझे हर घर की याद है कि प्रेग्नेंट है। पहले ऐसा था कि ना तो फोन थे, फोन में तो अभी भी नहीं आते मेरे। अच्छा, अभी भी मेरे फोन नहीं आते हैं। कैसे पता चलता है कि भैया उसके घर पे बच्चा हो गया है इस तरह से? मैं उसका आइडिया लगा लेती हूँ, सास से सास बोल देती है अभी तो अपना उबाड़ो छे, अभी तो 4 महीना ही छे, तो उसको उस गिनती करती हूँ मैं, गिनती करती हूँ, ऊंच नीच का फर्क पड़ जाता 2-4 दिन का। अच्छा, भाई इनके घर में लड़की हुई है लड़का हुआ? अच्छा, तो बोलते हैं बुआ जी आपको पता लग गया? मैंने कहा मैं 4 महीने से आइडिया लगा रही हूँ इस चीज का। तो पूरी कैलकुलेशन आप करके रखते हो? मैं पूरी कैलकुलेशन। और शादी ब्याह के टाइम? शादी ब्याह के टाइम में तो बैंड बाजे बजते हैं, उसका तो कोई छिपा ही नहीं सकता। हाँ, उसको तो कोई मना ही नहीं कर सकता, बिल्कुल लॉजिकल चीज है। अच्छा, और नो मैरिज करके आता है बाहर से, किसी को पता नहीं, हाँ जी, वो भी मुझे पता लग जाता है। तो नेटवर्क तो है आपका पूरा अच्छा खासा। नेटवर्क तो ऐसा रखती हूँ मैं, क्योंकि एक 2-4 दिन 8 दिन छुप जाता है, लेकिन वो छुप नहीं पाता, सामने वाली पार्टी का माहौल छुप नहीं पाता है वो तो एक दिन ऐसा होता है कि 8-15 दिन में वो तो माहौल सामने नजर आ जाता है। खैर पता तो चल जाता है, क्योंकि चेहरे की मुस्कुराहट अलग हो जाती है, माँ की भी होती है वो अलग होती है, दूल्हे के पापा की भी अलग होती है। तो आप लोग ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं? मैं पूरा अंदाजा रख लेती हूँ, बिल्कुल। अब एक और चीज जैसे मैं बोलूंगी, देखिए बराबरी हर किसी को चाहिए होती समाज में, है ना? आप लोगों ने भी लड़ाई करी, आप लोगों को भी आपके अधिकार मिले 2014 में। एक चीज जो बड़ी मेरे को अजीब सी लगती है, जैसे अभी तो नहीं पता मुझे एट प्रेजेंट आप लोगों का क्या रहता है, जैसे किसी के घर में बेटा हुआ तो आप लोग जाते हैं बधाई देने के लिए, लेकिन अगर किसी के घर पे बेटी होती है तो भी आप लोग जाते हैं क्या? जाते हैं, पहले से जाते थे, अब जाना शुरू करा है? मैं 60 साल से तो देख रही हूँ, उस जमाने में 60-65 साल पहले 125 रुपया तो देते थे लड़के का, 60 पैसे देते थे लड़की के, जिस जमाने में चांदी के गोटे की साड़ियां चलती थी, उस जमाने की बता रही हूँ। अच्छा, 4 पीढ़ी बता रही मैं, समझाना। तो लड़का लड़की का तो सबका मालूम पड़ जाता, जन्म दो ही होता है, जन्म दो ही माना गया है, बेटी और बेटा। तीसरा जन्म तो एक मंगलमुखी का होता है, उस जन्म को जन्म नहीं माना जाता है, उस जन्म को तो आप मानो ही मत, हो वो तो हटके जन्म है। लाके सरकार जोड़ लिया सरकार ने, लेकिन मंगलमुखी तो मंगलमुखी होते हैं, वो एक भेदभाव की वजह से जोड़े गए,
कि ये लोग आम लोग है और है तो ये मतलब भेदभाव ना करें, इसलिए ट्रांजिस्टर में जोड़े गए। जोड़ने का कारण ये है, नहीं तो आज 14 पीढ़ियां गुजर गई है किन्नरों की, तो आज दिन तक तो जोड़े नहीं सरकार ने, आज दिन तक क्यों नहीं जोड़े, क्या कारण था? जैसे प्रथा पलटती गई है गवर्नमेंटिंग, उसी हिसाब से माहौल बदलता गया। वोट भी चाहिए होते अब तो। वोट देती हूँ मैं, 40 साल 45 साल के पुराने वोट दे रही हूँ मैं। दे रहे हैं। एक और सवाल, अब आप अपने अगले जन्म के लिए क्या चाहते हैं? मैं केवल दूसरे की बात नहीं कर सकती, मैं केवल अगले जन्म में ये चाहती हूँ, प्रभु से ये अरदास करती हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी देवी देवताओं से, कि मुझे इंसान का रूप दिया जाए। हालांकि इंसान तो अभी भी हूं, लेकिन ये जन्म नहीं दिया जाए जो मैं घर घर में जाके ताली बजाऊं। कोई जगह अमान्य आदमी भी होते हैं गांवड़े के बाहर के, उनको बोलने का वर्ड नहीं होता है, वो ऐसा गंदा वर्ड बोल देते हैं तो आगे सब सुनते पीछे निकलता है। तो मैं यही चाहती हूँ सभी देवी देवताओं से और अपनी जाति समाज से और जनता जनार्दन से, कि जनता जनार्दन का अपने जाति समाज का मेरे प्रति प्रेम भाव रखे, मेरे लिए इतनी दुआ करे कि मैं अगले जन्म में जाऊं तो मुझे प्रभु इंसान का रूप दे और इंसान बनावे और अच्छे घर में जन्म दे, अच्छे माँ बाप के साथ में। मतलब 60 साल से जैसे आप हैं इसमें, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मतलब अभी भी लोग, आप कुछ भी कर लो, आप जितने भी कानून ले आओ, कुछ भी प्रथा बना लो, लेकिन एक जो हमारी मानसिकता है ये शायद नहीं बदलेगी। गांवड़े वालों की नहीं बदलेगी, मतलब वही, आप शायद आंखें बंद कर लेते होंगे, आप कान बंद कर लेते होंगे कि बोलता रहे तू, अब बस कितना सुनू अब मैं। बड़े इतना गंदा बोल जाता है वो गांवड़े के होते हैं जिन्होंने कभी कोटा ही नहीं देखा। अब कोटा नहीं देखा तो किन्नर कहां से देखेगा? अब तो खैर गांवड़े की लड़कियां शहरों में आ गई, शहरों की लड़कियां गांवड़े में चल गई तो जानते किन्नर आते हैं, लेकिन सभी इस प्रथा को थोड़ी ना समझते हैं कि इनका महत्व क्या है। अगर 100 में एक औरत होती है तो कहती है नहीं नहीं यहाँ की तो दुआ लीजियो, इनकी दुआ बहुत अच्छी होती है, इनकी दुआ बहुत बड़ी होती है। तो 99 औरतों को एक औरत का अच्छा प्रभाव उनका गलत प्रभाव को दबा देता है। बिल्कुल, मतलब बहुत कम लोग हैं जो वाकई में दिल से आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, वो बहुत कम है, गिने चुने ही है आज तक। मेरे तो 100% में 100 में 100% ही करते हैं इज्जत, मेरी आपकी मेरी, बड़ा मान सम्मान, इतना मान सम्मान देते हैं कि मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं देते, इतना प्यार दुलार देते हैं मुझे, आओ तारा बुआ जी, आओ तारा बुआ जी, आओ तारा बुआ जी, क्या खाना क्या पीना क्या करना है, आप तो बैठ जाओ, ना चुकाओ मत, आप तो बैठ जाओ, आपका लगता है आपको हम देंगे, मुझे तो प्यार दुला देते हैं। और कोई 100 में 1 निकल, कम वक्त भी निकल जाता है, होते हैं बिल्कुल, नया आ जाता तो उसी के हिसाब से फिर मैं उनसे भैया जी बाबू जी के बात करती हूँ, समझ जाए तो, ना समझे तो तू परे हट, मेरी क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे बढ़िया यही है, क्या फर्क पड़ रहा है? दातार बहुत बड़ा है, इंसान भिक्षा मांगने जाता, किन्नर भिक्षा मांगने जाता, इंसान के दरवाजे जाता है, लेकिन दातार के भरोसे जाता है, जो दाता करता ना वो लिखता ना, वो उसको तो वो लाख ही उपाय कर ले, लेकिन टाल नहीं सकता वो देने में, उसको तो देना ही पड़ेगा वो, क्योंकि लिख गया ऊपर से, भगवान ने लिख दिया कि तुझे उस घर से ये मिलेगा तो वही मिलेगा, भगवान को बहुत मानते हो आप। बिल्कुल, हम लास्ट में आ गए अपने इस एपिसोड के, तो कुछ प्रश्न है मैं आपसे पूछूंगी और आपको बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से एक शब्द में या एक छोटे से सेंटेंस में आपको आंसर देना है, तो अगर आप रेडी हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आसमान का रंग क्या है? नीला होता है। परिवार क्या है? परिवार सबसे अच्छा है, सभ्य है। सभ्य है, बिल्कुल। एक ऐसा कमेंट
बहुत बेहतरीन कमेंट जो आपको आज तक जिंदगी में मिला हो, कि किसी ने आपको बहुत अच्छी बात बोली हो जो आपके दिल को छू गई? मुझे बहुत, हमें बहुत अच्छी बात है, हमारे माता पिता ने बोला पहले, अच्छा परिवार ने बोला है, बहुत मान भाव सदस्य होते हैं, उन्होंने बोला है। अगर आप इंसान हो तो आपको क्या करना चाहिए? हम इंसान हैं तो हमारा कर्तव्य यही कि हमें अच्छे कर्तव्य करना चाहिए। ताराबाई कौन है? ताराबाई एक मंगलमुखी है। थैंक यू। तो जैसा हमेशा ही रहता है, मैं बस ये चाहती हूँ कि अब आप एक संदेश दें हमारे सारे ऑडियंस को। मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने जैसे बताया आपकी उम्र 75 साल से भी ज़्यादा है, मतलब आपकी आवाज़ और आपको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो एक संदेश जो सबके लिए हो। मैं अपने भारतवासियों को, अपने देशवासियों को, हाड़ौती क्षेत्र को, जो भी सभी मन मान भाव सुन रहे हैं, मैं उनको, आप लोगों को एक मैसेज दे रही हूँ कि आदमियों को अपने भाई भाईचारे से रहवे, माताओं को अपने बहन बहनचारे से रहवे, किसी से अपशब्द नहीं बोले, किसी को गलत नहीं बोले, किसी को ऊंची नीची नहीं बोले, और अपने रामायण महापुराण के हिसाब से ज्ञानी बन करके और इस संसार के साथ में जीवे। मैं इतना सा बोल के अपना विराम लेती हूँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मतलब इतना समय आपने निकाला, मतलब मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था, मतलब जब शुरू में मुझे लगा कि हमें आपका पॉडकास्ट आपके साथ एक लेना चाहिए, मुझे लगा पता नहीं आप हाँ बोलोगे ना बोलोगे, आप क्या करोगे, फिर मुझे लगा इतना टाइम आप निकाल पाओगे कि नहीं, लेकिन आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस तरह से बैठकर, मतलब मैं वही दिन याद कर रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मैं छुप छुप के आप लोगों को देखती थी, लेकिन आज आपके सामने बैठकर आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। नमस्कार। आज का जो एपिसोड था डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग था। एक शायद चाइल्डहुड क्यूरोसिटी थी मेरी जो आज जाकर के सैटिस्फाई हुई है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आज जानी सुनी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी कि हर कोई बोलता है, मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे एपिसोड्स मैंने देखे हैं किन्नरों के साथ में, जिसमें वो बताते हैं कि वो कितना सैटिस्फाइड, कितने खुश हैं। लेकिन आज जब तारा बाई जी हमारे साथ आई, जिनको हम बहुत प्यार से गुरु माँ बोलते हैं, एक चीज़ जो मुझे लगी वो यही कि अगर आप एज अ बॉय और एज अ गर्ल इफ़ यू आर बॉर्न देन फील योर सेल्फ टू बी ब्लेस्ड। क्योंकि उनको भी यही था कि अगले जन्म अगर मैं बनूँ तो मैं लड़का या लड़की ही बनूं, मैं किन्नर ना बनूं। तो कभी समाज में हमको दिखाया जाता है कि ये बहुत खुश हैं, बहुत मज़े में हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, बट ऐसा शायद नहीं होता है हर किसी के साथ में। सो विद दिस आई गिव यू अ थॉट टू थिंक ओवर एंड आई साइन ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज आई ऑलवेज से, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन।